हेलो फ्रेंड, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और यह स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और कोई भी नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक्सरसाइज 3.2, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको इक्वेशन में इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक। तो और फर्स्ट का पहला पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्विज हुआ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्विज। मतलब गर्ल्स और बॉयज कितने थे ये निकालना है। तो नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ठीक। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, टोटल स्टूडेंट किसने कितने हैं, 10। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाता है, ठीक। और एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 10 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। तो अब पुटिंग इसको कोऑर्डिनेट बना लेंगे, पुटिंग वाई इक्वल टू 0, 5, 10, ठीक, जिससे हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, एक्स बराबर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, एक्स बराबर माइनस 10 इक्वल टू 0, 0, 5, 10, यानी हमारा कोऑर्डिनेट्स आया एक्स वाई। एक्स हमारा कितना है, 10, 5, 0, 10, 5, 0, 0, 5, 10, हमारा कोऑर्डिनेट्स आया 0 से 10। कोऑर्डिनेट्स कितना जल्दी है दोस्तों, 5, 5 और 10, 0। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस वाले पार्ट में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, माइनस करेंगे तो 4 होगा। एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, कॉर्डिनेट बनाएंगे पुटिंग वाई इक्वल टू 0 टू 4, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। हमारा कॉर्डिनेट्स आ गया एक्स वाई 4, 6, 8 एंड 0, 2, 4। कॉर्डिनेट्स आर 4, 0 एंड 6, 2 एंड 8, 4, ठीक। अब ये कॉर्डिनेट्स एक ये है और एक कॉर्डिनेट्स पिछला वाले से हम ग्राफ ना लेते हैं, तो चलिए ग्राफ देखते हैं फेयर कॉपी में। दोस्तों ये रहा ग्राफ, तो वहाँ तीन कॉर्डिनेट इसमें था, तीन कॉर्डिनेट दूसरे में था। तो पहला वाला हमारा कॉर्डिनेट्स ये रहा 0 से 10, 5, 5, 10, 0, ये हमारा बनाया। तो ऐसे हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इसमें स्केल नहीं लिखा है, स्केल से टीचर की जो होता है बढ़ जाता है, जैसे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने यूनिट है, 2 यूनिट, 2 चार्ज 2 यूनिट, ठीक। आप जितना भी यूनिट लो उसको इतना लिख लेते हैं, 2 यूनिट लेंगे, आप 4 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन उससे ग्राफ छोटा बनेगा। आप एक ही यूनिट इसमें ले सकते हो, उससे ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। अब दोस्तों इस ग्राफ को जा, और ये देखिए दूसरा 0 से 4 ये रहा 0 एक्सिस का, 4 वाई एक्सिस का, तो 0 से 4 हमारे ये आ गया। और दूसरा था 2, 6 यानी एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई से हमारा कॉर्डिनेट्स होता है, ठीक। तो एक्स 2 हो गया, 2 एक्स एक्सिस पर हो गया, और 6 हमारा ये हो गया, 2, 6 बन गया। और तीसरा है 4 और 8, तो 4 हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, 8 हमारा वाई एक्सिस होता है। पहले हम लोग प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, सब पढ़ने का जरूरत नहीं, सब छोटे से तब पढ़ते थे। अब आपको इजी ट्रिक देखना है, एक्स एक्सिस पर जो होगा, या अगर माइनस में है तो नीचे की तरफ एक्स इस तरफ होगा, वाई एक्सिस अगर माइनस में तो नीचे की तरफ बनाओ, माइनस माइनस, बस सिंपल सा है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ कहीं भी ना समझ में आप वहाँ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। फिर जब इसको करने के बाद हमारा ये पॉइंट कट कर रहा है 3 और 7 पे, ठीक, ये 7 होगा, 7 और 3 और 7 पे कट कर रहा है, तो हमारा एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा और वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं, फ्रॉम द फिगर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट 3 एंड 7। इस फिगर में 2 लाइन 3 एंड 7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 7 पे, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा 3, एक्स माने तो उसको, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी पेंसिल और पेन कितना होता है, उसको एक्स माने लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज़, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स, तो 5 x + 7 y इक्वल टू 50 हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो 5x = 50 - 7y एंड x = 50 - 7y अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक। इसको कॉर्डिनेट्स निकालने में पुटिंग वैल्यू इन y = 5, 10 एंड 15, क्योंकि 5, 10, 15 रखने से हमारे ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, ठीक, इससे लेंथी नहीं होगा। तो x = 50 - 7 × 5 अपॉन में 5,
फाइव माइनस 35 पॉन में 5 ये हमारा हो जाएगा कितना 15 दमी 5 3 आएगा यहाँ पे ठीक। क्योंकि मैं 15 कट जाएगा एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू में 10 अपॉन 5 कितना है 50 माइनस 75 अपॉन 5 ये हमारा आ जाएगा 20 ये हमारा 25 आएगा ठीक। तो 25 माइनस 25 5 से कटेगा तो हमारे यहाँ 5 आ जाएगा माइनस 5 ठीक। और ये हमारे 50 माइनस 7 इंटू 15 अपॉन 5 कितना 50 माइनस 15 105 अपॉन 5 ये हमारा 55 हो जाएगा हमारा माइनस 11 आ जाएगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं दोस्तों आप लोग खाली मत बैठिए मेरे साथ आप करते जाइए जिससे आपका क्वेश्चन का रिवीजन बार बार होता रहेगा ठीक। 5 10 15 कोऑर्डिनेट्स आर 3 5 माइनस 5 10 माइनस 11 15 इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 7 पेंस एंड 5 पेंस कॉस्ट 46 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा 7x + 5y = 46 रुपीज। तो 7x = 46 माइनस 5y x = 46 माइनस 5y अपॉन 7 ठीक। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y = -2, 5 and 12 इससे हमारा कट के आसानी से पॉइंट पे नहीं आ रहा है ठीक। तो x = 46 माइनस 5 × -2 / 7 तो ये हमारा जो 46 माइनस प्लस 10 हो जाएगा ठीक अपॉन 7 तो हमारा 56 हो जाएगा 8 आ जाएगा ठीक। x = 46 माइनस 5 × 5 / 7 46 माइनस 25 कर लेंगे तो 25 21 आ जाएगा तो अपॉन 7 21 3 आ जाएगा ठीक। x = 46 × 5 × 12 कर लेंगे 46 माइनस 60 / 7 = यहाँ 14 बचेगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं इसका एक्स हमारा 8 3 - 2 आया है माइनस 2 5 12 आया है तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 8 - -2 3 5 - 2 12। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ मतलब ग्राफ चलो फिर कॉपी में देखते हैं कोऑर्डिनेट्स एक और एक नेक्स्ट स्पेस वाला कोऑर्डिनेट्स ग्राफ बनाने के बाद ऐसा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों हमारा ये सेकंड वाला ग्राफ जो अभी मैंने बनाया ये रहा 8 - 2 8x एक्सिस पे ये रहा और -2 हमारा वाई एक्सिस पे रहा और 3 5 रहा और -2 12 रहा तो ये 3 और 5 पे कट कर रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू एक्स तो ये 3 5 पे कट कर रहा है तो 3 हो जाएगा 3 रुपये। द कास्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू 5 पे कट रहा है तो 5 रुपीज़। दोस्तों आप ग्राफ का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर कहीं भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपके लिए ग्राफ बना के फिर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड के राउंड कंपेयरिंग द रेशियो a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पैरेलल आर कांस्टेंट इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कांस्टेंट है। इसका देखिए दोस्तों एक नियम होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा तब a1 / a2 ≠ b1 / b2 होगा तभी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ठीक। और a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 है तीनों पर तो कॉन्सिडेंट होगा और a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2 पैरेलल लाइन होगा। इसको देखते हैं ए हमारा है a1 = 5 है a2 = 7 है a1 = b1 = -4 है b2 = 6 है और c1 = 8 है c2 = -9 है ठीक। तो a1 / a2 अगर हम रखें तो 5 / 7 4 / 6 इसके इक्वल नहीं है तो हमारे इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9x + 3y + 12 = 0 दिया है और दूसरा 18x + 6y + 24 = 0 तो a1 हमारा 9 हो जाएगा a2 / 18 b1 हमारा 3 b2 हमारा 6 c1 हमारा 12 और c2 हमारा 24। तो a1 / a2 9/18 = 3/6 = 12/24 इसको अगर हम कट करें तो 3 3 6 18 3/6 आ गया 3 6 12 6 6 24 देखो 3/6 3/6 3/16 इक्वल आ गया। तो मैंने क्या बताया 1/a2 b1 / b2 c1
सी एम बाई सी टू का तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होगा, इसलिए इट इज कॉन्स्टेंट लाइन, कॉन्स्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया 6x-3y+10 इक्वल टू जीरो, 2x-y+9 इक्वल टू जीरो, इसमें a माइनस 6 हो जाएगा, b माइनस 2 हो जाएगा, b1 हमारा माइनस 3 हो जाएगा, b2 हमारा माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ y है, सी वन हमारा 10 हो जाएगा, सी टू हमारा 9 हो जाएगा, इसको हम a1/a2 इक्वल टू -3/-1 रखते हैं, ये कट जाएगा, 10/9 रखते हैं तो ये कट जाएगा, 3 आएगा, 1/3, ये इक्वल लेकिन ये इक्वल नहीं है ना, तो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट c1 इज हाँ सी टू इज नॉट इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था, इसलिए दिस इज पैरेलल लाइन होगा जब ऐसा कंडीशन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एंड कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 एंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें देखो उस वाले क्वेश्चन में तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कंसिस्टेंट बताया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, जिसका भी कुछ कंडीशन है आगे कॉपी में देखते हैं। कंडीशन अगर हमारा कोई भी मतलब इक्वेशन पैरेलल में है तो हमारा वो इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है तो पैरेलल का क्या मतलब, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल में ऐसा कंडीशन आता है तो हमारे ये इनकंसिस्टेंट होगा और बाकी सभी इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिस्टेंट ये दोनों आएंगे तो हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने दिया 3x+2y=5 एंड 2x-3y=7, ठीक, तो इसको देखते हैं, a1 हमारा है 3, a2 हमारा है 2 और b1 हमारा है 2, b2 हमारा है -3, c1 हमारा है इसको इधर नहीं 5 और c2 हमारा है 7, तो 3/2 = 2/-3 = 5/7, तो ये एक भी इक्वल नहीं है। मैंने क्या बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन, सो इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। दोस्तों मीनिंग में थोड़ा गलती होगी, आप बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया 2x-7y = 4x-6y = 9, तो इसमें a1 2 हो जाएगा, a2 4 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो जाएगा और b2 6 हो जाएगा, -3 -6, c1 हमारा 8 हो जाएगा, c2 हमारा 9 हो जाएगा, ठीक, तो a1/2/4 3/6 -9+ हो गया 8/9, ठीक, तो 2 आ गया 1/2 और ये नहीं कटेगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, तुम्हारे क्या जो पैरेलल लाइंस हो जाएगा, पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसलिए इट इज़ पैरेलल देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में a1 3/2 दिया है, a2 हमारा 9 दिया है और b1 5/3 दिया है, b2 हमारा -10 दिया है, ठीक, और c1 हमारा 7 दिया है, c2 हमारा 14 दिया है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a1/a2 में तो 3/2/9 इक्वल टू 5/3/-10 इक्वल टू 7/14, ठीक, तो इसमें 3/2 = 9, तो अगर हम इसको इसमें एक भी इक्वल नहीं होगा, ठीक, सब नॉट इक्वल होंगे, कोई इक्वल है नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये नॉट इक्वल होगा, देख मैं आपको 3/2 * में ये 9/1 तो 1/9 हो जाएगा, इसको कट गए 3/1/6 आ जाएगा, ठीक, 1/6 ये आ गया, a1/a2 b1/b2 नहीं करोगे, बाकी b1 और c1 नहीं करोगे, इसे हमारे कोई कंडीशन है नहीं, तो ये इंटरसेक्टिंग आएगा, देयरफॉर इट इज़ दोस्तों पैरेलल वाला हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, तो इंटरसेक्टिंग है तो इट इज़ कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर दिया 5x-3y = 11x-10x+6y = -22, ठीक, तो अब इसको हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 5-10 दिया है, -3 6 दिया है, 11-22 दिया है, ठीक, तो 5-10 = -3/6 = 11-22, तो ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, तो -1/2 = -1/2 = -1/2 है, तो इसलिए इट इज़ कॉन्सिडेंट, कॉन्स्टेंट होता है तो इट इज़ कंसिस्टेंस, देयरफॉर
इट इज कंसिस्टेंट लाइन। वाला क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ फिर देखते हैं। ए वन हमारा 4/3 दिया हुआ है और बी टू ए टू हमारा 2 दिया हुआ है, बी वन हमारा 2 दिया हुआ है, बी टू हमारा 3 दिया हुआ है, सी वन हमारा 8 दिया हुआ है, बी सी टू हमारा 12 दिया है। तो इसको 4/3/2 इक्वल टू 2/3 = 8 12 सॉल्व करते हैं। अभी इसमें करें 4/3 नंबर 2/1 इसको दोस्तों मैं ऐसा 4/3 इंटू में 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 कट गया 2/3 आ गया। तो 2/3 = 2/3 इज नॉट इक्वल टू 4 आया, 6 आया, 2 आया, 2/3 तीनों इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो भी हमारा कौन से हो जाएगा कॉन्सिडेंट, इट इज कॉन्सिडेंट, तो देयर फॉर इट इज कंसिस्टेंट लाइन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन द कंसिस्टेंट अपने सॉल्यूशन ग्राफिकली। दोस्तों सेम क्वेश्चन सेम बेस पे यही क्वेश्चन फोर्थ है। अगर आप कंसिस्टेंट पाते हैं यानी कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिव लाइन पाते हैं तो ग्राफ बना लीजिए क्वाड्रेंट निकाल के। दोस्तों इसलिए मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 एंड डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हम लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 4 मीटर, इसको 1 मीटर मान लेते हैं, ये निकालना है डायमेंशन यानी लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक। और फिर अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वाई एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है बी माइनस एल यानी ब्रेथ माइनस एल इक्वल टू 4 दिया है, ठीक। और इसको हम एक्स की वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स कर लेंगे, ठीक। तो आप कॉर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बनाए तभी निकले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 8, 12 एंड 16 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 4 + 0 = 4 वाई प्लस 4 + 8 = 12 एंड वाई प्लस वाई इक्वल टू 4 + 12 = 16। दोस्तों हम तीन ही का निकालेंगे, ठीक, जहाँ तक लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो कॉर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा एक्स आया 0, 8, 12, 4, 12, 16 आया, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स आया 0 से 4, 8 से 12 एंड 12 से 16। अब इसका सेकेंड पार्ट में बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36 बने क्योंकि विड्थ इज 36 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 यानी मोर प्लस होगा, इसमें लेस कहाँ हाफ द किलोमीटर मोर देन का इसलिए प्लस होगा, ठीक। तो वाई प्लस एक्स इक्वल 36 वाई इक्वल टू 36 माइनस। दोस्तों जहाँ भी आपको ना समझ आए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको समझाएंगे, नया वीडियो बनाऊंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 36 एंड 16 तो वाई इक्वल टू 36 माइनस 0 = 36 वाई इक्वल टू 36 माइनस 36 से 0 आ गया, वाई इक्वल टू 36 माइनस 16 20 आ गया। तो कॉर्डिनेट्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं 36, 0, 20 कॉर्नर्स आर 0 से 36, 36 से 0 और 16 से 20 यहाँ कॉर्नर्स आ गया। इसको हम ग्राफ में देखते हैं, काफ़ी में देखते हैं ग्राफ। दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का ग्राफ, मैं 0 से 4, 8 से 2। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर इसमें फिर इसके लिए आने एक्स, दोस्तों आप इसके लिखना जान ही गए होंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट एंड वाई एक्स इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। दोस्तों मैं अब नहीं लिखूँगा, तो ये 20 और 16 पे कट कर रहा है, ठीक। मैंने एक्स क्या माना था, एक्स लेंथ माना था, तो लेंथ हमारा 16 हो गया, 16 और 20 पे कट कर रहा है, ठीक। 16 एक्स ये है और 20 वाई पे, तो लेंथ हमने 16 मारा था, लेंथ हमारा 16 हो गया और ब्रेथ हमने 20 मारा था, तो ब्रेथ हमारा 20 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। दोस्तों अब ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके जाना समझना आप फिर से कीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो बनाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिविंग द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y, एक हमारा इक्वेशन दिया हुआ राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2y बस आज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो इज फॉर्मड, इंटरसेक्टिंग लाइन निकालना है और पैरेलल लाइन और कांस्टेंट लाइन, एक इक्वेशन दिया है एक दूसरा इक्वेशन बनाना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार में और पैरेलल लाइन एक कांस्टेंट लाइन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, तो ठीक इसमें इस वाले में a1 हमारा 2 है और b1 हमारा 3 है, c1 हमारा -8 है, तो मैं ऐसा करूँ कि ये a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 हो जाए। तो a2 हम 3 ले लेते हैं, b2 हम 4 ले लेते हैं, तो
तो ये 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, उसके अगर हम 9 ले लेते हैं, -9 कुछ भी ले लो, जिससे ऐसा चलो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम इससे इक्वेशन क्या बनेगा, देन इक्वेशन इज जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3x कर दो प्लस जहाँ 3 है वहाँ पे 4 कर दो 4y, यहाँ -8 है तो यहाँ -9 कर दो इक्वल टू 0, यही बन गया। अब दूसरे में कह रहा है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के लिए मैंने क्या कंडीशन बनाई बताई थी, दो इक्वल मानना तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो a1 हमारा है 2, b2 p1 हमारा है 3 एंड c1 हमारा है -8। तो हम क्या रखेंगे a1/a2 एंड b1, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इसका कंडीशन होता है नॉट इक्वल टू c2, तो हम ऐसा रखें कि ये दोनों इक्वल आ जाए, ये इक्वल ना है, इसके लिए हम a2 4 रख लेते हैं, b2 6 रख लेते हैं, c2 -9 रख लेते हैं, ये 2 कट के 2 1/2 हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा, कटेगा ही नहीं, यानी से बना रहेगा, तो ये कंडीशन हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इस जहाँ 2 है वहाँ पे 4 रख दो, 4x प्लस 6y माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब तो थर्ड में कह रहे हैं कॉन्स्टेंट लाइन, ठीक, कॉन्स्टेंट लाइन में तीनों इक्वल होता है, यानी a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होता है। तो a1 हमारा 2 दिया है, b1 हमारा 3 दिया है, c1 हमारा -8 दिया, तीनों रखो इससे इक्वल हो, यही तक नहीं, दूसरा इक्वेशन कह रहा है, तो 4 रख दो, b2 हमारा 6 रख दो, c2 हमारा -16 रख दो, तो कट के हमारा 1/2 तीनों इक्वल आ जाएगा। तो देन इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7th नेक्स्ट पेज में देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कंडीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन सेंटर ट्रायंगुलर रीजन। तो इसमें ये इक्वेशन दिया है, एक ये इक्वेशन दिया है, इसको हमको ग्राफ पे बनाना है, और बनाने के बाद तो जो ट्रायंगल फॉर्मड हो गए, ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि एक ट्रायंगल फॉर्मड होगा, जो ट्रायंगल फॉर्मड होगा उसके वर्टेक्स लिखना है, ठीक है, उसको सेडेट करके उसको वर्टेक्स लिखना है। चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारा दो इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें पहले वाले इक्वेशन करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 करते हैं, और दूसरे वाले में 3x 12 माइनस 2y हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। और फिर हम करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए पुटिंग, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, पुटिंग वाई इक्वल टू 0 1 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स बराबर वाई 0 -1 इक्वल टू -1, 1 -1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 -1 इक्वल टू 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे एक्स वाई -1 0 0 1 1 2, ठीक, कोऑर्डिनेट्स आर -1 0 0 1 1 2। अब इसका ये वाला क्वेश्चन हम इक्वेशन सेकंड का बनाते हैं, एक्स इक्वल टू पुटिंग वाई इक्वल टू 0 3 6 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो एक्स बराबर 12 -2 इंटू 0/3 इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा, 12 - 12/3/4 आ जाएगा, एक्स इक्वल 12 - 2 इंटू 3/3, 12 - 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 3 2 12 - 2 इंटू 6 मिट्टल माइनस टॉल, ये मार्क करके 0 आ जाएगा, 3/0 आ जाएगा, ठीक, तो इसका एक कॉर्नर्स बनेगा एक्स वाई, एक्स हमारा 4 2 0 है, वाई 0 3 6 है, ठीक, तो कॉर्नर्स हमारा 4 0 2 3 0 6 बन हो गया, एक कॉर्नर्स हमारा ये है, एक कॉर्नर्स ये है, इसका हम ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ देखते हैं फिर कॉपी में। दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ, 3 कॉर्नर्स थे, 0 6 2 3 4 0 1 2, ये देखिए ग्राफ, और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 3 देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं साइडेड नहीं किया हूँ आपको दिखाने के लिए, और देखिए एक पॉइंट ये होगा 2 3, दी वर्टेक्स अब हम नीचे लिख लेंगे, दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एक 2 3 हो जाएगा, और एक -1 0 -1 0 हो जाएगा, और एक 4 0 हो जाएगा, ये 3 वर्टेक्स हो जाएंगे हमारे, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों जहाँ ना सुन रहे हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा।